इंदौर के सांवेर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट को एक युवती ने जमकर खरी खोटी सुनाई। युवती ने मंत्री तुलसी सिलावट से कुछ ऐसे सवाल किए कि वे सीधे सीधे इसका जवाब भी नहीं दे पाए। दरअसल युवती ने मंत्री तुलसी सिलावट से पहला सवाल किया कि कुछ दिनों पहले तक आप कांग्रेस में थे, लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? एक अच्छी खासी सरकार को आपने गिरा दिया है। वहीं दूसरा सवाल युवती ने मंत्री तुलसी सिलावट से पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि कांग्रेस सरकार के समय किसानों का कर्जा माफ हो गया है और अब वे कहते हैं कि कर्जा माफी नहीं हुआ है। वहीं वायरल वीडियो की पुष्टि IND24 नहीं करता है और वहीं वायरल होने के बाद IND24 ने जब युवती उपासना से बात की तो उन्होंने बताया है कि 14 साल में पहली बार लगा था कि मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। वहीं शहर में पहली बार आईफा जैसा बड़ा आयोजन होने वाला था, इसलिए उन्होंने सभी सवाल पूछे। जब उलझ गए सिलावट। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? हम बात करते हैं किसानों की, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है, फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं भी उनकी एक वोटर हूँ। ये व्यक्तिगत कार्यक्रम सिर्फ एक भाई साहब को बुलाया गया। आप अभी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे, अभी अचानक आप बीजेपी में आ गए, आपने एक अच्छी खासी सरकार जो चल रही थी अभी तक, मतलब मुझे अगर देखा जाए, मैं इतने साल से एमपी में ही, मतलब मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप सब कुछ एमपी में है, पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि हाँ सच में हम लोग कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर अब जा रहे हैं, क्योंकि बात ये थी कि हम अभी तो जितना देखते हुए आए हैं, मतलब आईफा जैसा बड़ा इवेंट हमारे यहाँ आने के लिए रेडी था। एमपी में लोग कैसे समझते हैं, बैकवर्ड समझते हैं एमपी को, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी एक मतलब आगे की राह की तरफ अग्रसर हो रहा था। इस कारण से मैंने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैंने जब इस्तीफा दिया था मतलब स्वास्थ्य मंत्री के पद से, उस टाइम पर यहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं था। जब हमारे यहाँ पे पेशेंट आया पहला, उस टाइम पर ये भले ही मंत्री नहीं थे लेकिन विधायक थे, और भले ही कुछ नहीं तो एक्स स्वास्थ्य मंत्री तो थे ही।